सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। फिर आप सभी को करना क्या, यहाँ से चले जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस यहाँ पे आप जैसी मॉडल को ऐड कर लोगे गाइस, आप लोगों को जो है आपके मॉडल का हाइट कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है। एंड गाइस आपको जो पोज है कुछ इस टाइप का होना चाहिए, जो कि एक हैंड आपके जो है मतलब कि हॉर्स के नेक के पास हो, ठीक है, इस टाइप से। देन आप सभी को करना क्या गाइस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना, ठीक है, जब भी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ओपेसिटी कम करके चेक कर लेना है कि वो एकदम परफेक्ट तरीके से वहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। देन उसके बाद आपको ओपेसिटी फुल रखना है। एंड उसके बाद आपको इरेजर का हार्डनेस वगैरह जो है ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना थोड़ा सा। एंड उसके बाद ऐसे नीचे से थोड़ा थोड़ा रिमूव करना है, ठीक है। अभी ये रिमूव मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे गाइस मैं आपको पीएनजी दूंगा यहाँ पे ग्रास का, ठीक है। अभी ऐसे ही रिमूव करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रास जब हम लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, ठीक है। तो आपको इरेजर टूल में जाना है, यहाँ पे हार्डनेस फुल कर देना है, इरेजर का साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है। देन आपको ऊपर से जो है हैंड को ऐसे रिमूव कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर यहाँ पे ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे मतलब कि ये वाला जो एरिया आपको हैंड यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फील कर देना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है। अब गाइस इसमें बारी आती है हमारी शेडो को ऐड करने की, ठीक है। तो शेडो को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली ऐड फोटो में जाएंगे। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। एंड अब उसके बाद इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एंड साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। देन इसको इरेजर टूल में जाके इसको इन्वर्ट कर लेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। एंड उसके बाद जो हम ऐसे इस तरीके से पेंट करेंगे इस तरीके से, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम गाइस क्या करेंगे, अब जो हम इसको डन करेंगे ना, ऐसा हम जो है इसको मूव डाउन कर लेंगे थोड़ा सा। एंड जैसे मूव डाउन हो जाएगा हम उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम रख लेंगे, ठीक है, शेडो के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारी शेडो बन चुकी है। अब क्या करेंगे गाइस, हम इसको सिंपली यहाँ पे डन कर लेंगे, ठीक है। एंड डन कर देने के बाद अब यहाँ पे ऐड करेंगे, अब यहाँ पे एक ग्रास का पीएनजी, ठीक है। तो हम जल्दी से चलते हैं ऐड फोटो में। एंड यहाँ से ऐड कर लेते हैं ग्रास का पीएनजी। अब गाइस ग्रास के पीएनजी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको, तो एडजस्ट में जाना आप सभी को। एडजस्ट में जाने के बाद आपको सैचुरेशन लेना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है। एंड कॉन्ट्रास्ट लेना है, कॉन्ट्रास्ट जो है इसको भी थोड़ा कम कर लेना है आप सभी को। एंड जो यहाँ पे हाईलाइट्स हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप इसे प्लस कर लेना। एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना, फिर कर लेना है डन। देन उसके बाद आप सभी को करना है, आप सभी को सिंपली यहाँ पे क्या फुल स्क्रीन करना है इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस ये आपके पैरों के पास ऐड हो जाएगा, तो थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट और कर लेते हैं हम। जैसे कि गाइस यहाँ से हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, परफेक्ट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाकी कर लेंगे डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पिक्सल का काम हो चुका है गाइस, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करके लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस लाइट रूम ऐप में एडिट करके जो है हम जब भी वहाँ पे रियलिस्टिक बना पाएंगे पूरी। तो अभी हमने लाइट रूम ऐप में ऐड कर लिया, आप जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, इसको जो हम कॉन्ट्रास्ट है इसको बढ़ाएंगे, हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज कर देंगे, शेडो जो है इसको भी इंक्रीज कर देंगे, एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देंगे। फिर उसके बाद गाइस यहाँ से चलेंगे हम वाइट को बढ़ा के, फिर चलेंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड जाएंगे मिक्स में, ऑरेंज कलर लेंगे, इसका हम ल्यूमिनस बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद गाइस इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड उसके बाद ये ब्लू कलर लेंगे, इसका जो हम यू है माइनस कर देंगे। एंड जो हमसे येलो कलर है इसका भी यू माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद इसको कर देंगे हम डन। फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में, हम यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे, फोटो में डाल देंगे विगनेट। एंड इसके नीचे इस रोल करेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें फीदर, हम इसको इंक्रीज कर देंगे। एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है हम इसको बढ़ा देंगे। एंड फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी। बाकी चले मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।